आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में और आज कवर करेंगे हम सभी कब का, तो आप बोलेंगे 21 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और आज क्वर्ट्स के साथ जो मोटिवेशन है उसके साथ क्लास को स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि मैं आप सभी को बता दूं कि तीन पार्ट यानी जो आपका अभी सीरीज चल रहा है मैथ का त्रिकोणमिति का, उसका तीन वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, तीनों बोलकर। और जिनको भी टीवी नहीं आता है ना, अगर देखो आज आपने नहीं सीखा तो फिर ये जीवन भर पीछा आपका नहीं छोड़ने वाला है। तीन पार्ट में आप बोलेंगे भैया पूरा डाउट क्लियर हो गया, अब डायरेक्ट सवाल के ऊपर आइए कि सवाल कैसे सॉल्व करते हैं। और एक बात, अभी क्लास आपको मिल रहा है और रात को 11:30 बजे आप सभी को जो है करंट अफेयर क्लास भी मिलेगा, जो जनवरी का क्वेश्चन जो है वो बाकी था। तो देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हमारे सामने क्या आ रहे हैं 21 अप्रैल के। उसके पहले बोलूंगा आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप अपने फोन के ऊपर किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट दे सकते हैं, या फिर वो रेलवे का एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो, या फिर SSC के कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। वहां पर हर एक मॉक टेस्ट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिल जाएंगे। और एक बात, अगर वहां से 349 वाला पैकेज बाय करते हैं तो 1 साल तक यानी 1 साल के वैलिडिटी तक आपको आने वाले हर एक एग्जाम का मॉक टेस्ट आप सभी को दिया जाएगा, 20-25 हर एक एग्जाम का, ताकि आप जज कर पाओ कि उसमें आप स्कोर कर कितना पा रहे ठीक एग्जाम से पहले। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ। और पहला प्रश्न है, चीन में 9 अक्टूबर 2022 में होने वाले जो चीन का जो शहर है ना हैंगझाउ, उसमें 2022 में एशियाई पैरा जो खेल होने वाला है उसका मैस्कॉट क्या रहेगा, ये आपको बताना है, यानी उसका जुबानकर का नाम बताना है। और उसका नाम दिया गया है आपका फाई फाई, देख रहे हैं, ये ऑप्शन नंबर सी। और अगर ये क्या है भैया, देखो यह एक टाइप का चिड़िया है, ठीक है, वहां पर चाइना में मिलता है, उसी को रंग दिया गया है। आप सभी देख पा रहे होंगे मैंने आप सभी के लिए चित्र भी लगा दिया है ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाओ। अगला प्रश्न हमारे सामने है, दुबई स्थित क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यह आपको बताना है। और इसके अच्छा भैया ये क्रिक किंगडम है क्या, देखो वहां पर क्या है, एक शॉर्ट फॉर्मेट एक टाइप का गेम होता है, आप क्लब बोल सकते हो, उसके ब्रांड एम्बेसडर टूर्नामेंट बोल सकते हो, प्रतियोगिता क्रिकेट का, उसके ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है ये आप सभी को बताना है। और ये कहां पर है, तो दुबई में, दुबई कहां पड़ता है, UAE में, ठीक है, यूनाइटेड अरब इमरात, संयुक्त अरब इमारात में। और इसके ब्रांड एम्बेसडर बना दिए गए हैं रोहित शर्मा को, ऑप्शन नंबर आपका डी। और आपको मैंने बताया जैसे ये क्रिक किंगडम कहां पड़ता है, दुबई में पड़ता है, और दुबई कहां पड़ता है, UAE में पड़ता है। तो UAE का मुद्रा क्या है, धिरम है, कैपिटल अबू धाबी। और वहां की अगर मैं बात करूं राजा कौन है, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति कौन है, तो आप क्या बोलेंगे, खलीफा बिन जयाद अल नयान, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारे सामने है, BSNL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है PK पुरवार, इनको जो है किस क्षेत्र में अतिरिक्त कार्यभार संभालने के लिए कहा गया है, तो MTNL का, ऑप्शन नंबर डी। और आप सभी तो बहुत दिन से खबर सुनते आ रहे होंगे कि BSNL और MTNL जो है वो मर्ज होने वाला है, ठीक है ना। तो जो PK परवार है उनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है, कहां, किस कंपनी का, तो MTNL का। अगला प्रश्न हमारे सामने है, रंजीत चौधरी जिनका 65 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे। अब भैया इनका रंजीत चौधरी कौन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है भैया, आपके दिमाग में तो उठ सकता है ना, मैं बताता हूं। पहले आप ये जान लो, रंजीत चौधरी जिनका 75 वर्ष की आयु में निधन हुआ है वह एक अभिनेता थे, आप फोटो देख पा रहे होंगे बहुत स्पष्ट रूप से। अब मैं आपको थोड़ा याद दिला दूं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन क्यों जाता है। आप सभी को पता है लॉकडाउन जो चल रहा है इसमें DD नेशनल पर जो है वो रामायण चलाया गया है, और अभी जो रामायण है TRP के मामले में नंबर 1 चल रहा है भारत में, ये आप सभी को पता है। दूसरी बात, ये जो रंजीत चौधरी है ये सुग्रीव का जो है वो रोल निभाया था रामायण में, बाली के भाई का, ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है ये वाला। अगला प्रश्न हमारे सामने है, केंद्र सरकार ने
मैग्नरिस के तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को पिछले वित्त वर्ष के लंबित वकाए को समाप्त करने के लिए, यानी जितना भी ड्यूज था उसको क्लियर करने के लिए कितनी राशि जारी की है आपको बताना है हर एक राज्य में केंद्र सरकार के द्वारा, तो 7300 करोड़ रुपए का ऑप्शन नंबर आपका डी। यहां पर इसका फुल फॉर्म क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। और एक बात, एक क्वेश्चन आपको मैं यहां पर और जोड़ता हूं, केंद्र सरकार जो है कोविड 19 से लड़ने के लिए, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हर सरकार को, हर और राज्य सरकार को कितना पैसा जो है वो पास किया है, तो 15,000 करोड़ केंद्र सरकार देगी हर एक राज्य सरकार को, और एक बार में नहीं 2024 तक वो 15,000 रुपए जो है वो क्लियर किया जाएगा हर एक राज्य को। तो ये भी आपको याद रखना इस क्वेश्चन में, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, उस भारतीय अमेरिकी का नाम बताना है जिसे व्हाइट हाउस कोविड 19 सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया है। बहुत बड़ी बात है, गौरव की बात है हमारे भारत के लिए। तो उनका नाम क्या है, रो खन्ना, ऑप्शन नंबर आपका सी। और आप सभी को पता है अमेरिका में सबसे ज्यादा केस है कोविड 19 के, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा मैं डिस्कस करूंगा अच्छे से आप सभी सुनना। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हालिया रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस प्रेरित लॉकडाउन के कारण भारत की आर्थिक वृद्धि चालू वित्त वर्ष में घटकर कितनी प्रतिशत रह सकती है। बहुत बड़ा क्वेश्चन इकोनॉमिक ग्रोथ, और SBI के द्वारा प्रिडिक्ट अनुमान लगाया गया है जो इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 1.1% तक रहने का संभावना जताया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। दूसरी बात, ये तो हो गया इसका आंसर, और आपको पहला क्वेश्चन आपका ये निकल कर आता है, आप सभी को कमेंट कर ये बताना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेयरपर्सन कौन है, अध्यक्ष कौन है। दूसरा, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। तीसरा, कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन क्या है। ये तीन चीज आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कमेंट कर बताना है, यह आपका आज का पहला प्रश्न है। दूसरा बात, ये आप याद रखिएगा, ये तो मैंने बताया इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ जो है SBI के द्वारा कितना रहने वाला है, तो 1.1%। अभी हाल ही में दो रिपोर्ट आया है, क्या क्या भैया, जो IMF है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उनके द्वारा एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 2020 और 2021 में जो इंडिया का ग्रोथ रहने वाला है वो 1.9% रहने वाला है, जो कि बहुत कम है, कितना 1.9%। और वर्ल्ड बैंक का भी आया है, वर्ल्ड बैंक का कहना है जो इंडिया का GDP रहने वाला है वो रहने वाला है 1.5% से 2.5% तक। यहां पर 1.5 से 2.5 नहीं, 2.8% तक, किसके अनुसार, वर्ल्ड बैंक के अनुसार, IMF के अनुसार 1.9%। तो तीनों चीज आपको याद रखना है इस प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारे सामने है, चीन ने अपने ADB ट्रस्ट यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक ट्रस्ट फंड से विकासशील एशिया में कोविड 19 चुनौतियों का समाधान करने और विकासशील सदस्य देशों की सहायता करने के लिए कितनी राशि जो है वो निर्धारित की गई है, ये आपको बताना है, और वो किया गया है $10 मिलियन, ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारतीय खेल प्राधिकरण यानी SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने तालाबंदी के दौरान यानी लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन कोचिंग कार्यक्रम शुरू करने के लिए किस संगठन के साथ जो है वो डील साइन किया है। तो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यानी भारतीय खेल प्राधिकरण ने किसके साथ डील साइन किया है ताकि ऑनलाइन कोचिंग भी जो है वो हर एक खिलाड़ी को मिल सके। तो इन्होंने डील साइन किया है आपका ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारे सामने है, विश्व रग्बी
ये गेम है, आप सभी को पता है ना, एक फुटबॉल के तरह एक बॉल लेकर भागते हैं, उसके पीछे खिलाड़ी भागते हैं, आपने सुना होगा ना। वर्ल्ड रग्बी ने घोषणा की है कि कोरोना वायरस जो संकट अभी पूरे विश्व भर में फैला हुआ है, उससे लड़ने के लिए वो कितना राशि राहत के रूप में देगा। तो वर्ल्ड रग्बी ने जो है वो अनाउंसमेंट किया है कि वो $100 मिलियन देगा, ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, बीजिंग स्थित AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक किस देश की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने के लिए 500 मिलियन की परियोजना के वित्त पोषण के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। तो ये $500 मिलियन का सहायता किया जाएगा AIIB यानी द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा किस देश को हेल्थ केयर के लिए, तो भारत के लिए, ऑप्शन नंबर आपका डी। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर 21 अप्रैल का। इसका पूरा PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम पर डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो मेरे जितने भी भाई बहन देख रहे हैं सभी को गुड नाइट, पर क्लास आने वाला है रात को 11:30 बजे लाइव क्लास। तो मैंने हालांकि वहां पर क्लास अभी डाल दिया है, 11:30 जैसे ही बजेगा क्लास ऑटोमेटिक आपका स्टार्ट हो जाएगा। सो मिलते हैं रात को 11:30 बजे आप सभी के साथ, अब तक खाना वगैरह आप सभी खा लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए।